वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स टेक सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर बर्थ. यू नो दिस चैप्टर इज रिटन बाय सी जे क्रोनिन. एज दिस चैप्टर इज गोइंग टू कम इन यूर सेट एग्जाम, सो आई हैव मेड ए वीडियो ऑन इट एंड आई होप दैट दिस वीडियो लेक्चर विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. तो बच्चों, क्योंकि बर्थ चैप्टर आपके सेट एग्जाम में आने जा रहा है, इसलिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की एक वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए तैयार की है, और ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर और राइटर ऑफ द चैप्टर बर्थ. बर्थ चैप्टर के जो ऑथर या राइटर है वो कौन है? ए जे क्रोनिन है, जे बी प्रिट्सले है, एंड्रयू मैनसन है, या एडवर्ड पेज है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए जे क्रोनिन. आंसर्स हैं वो सामने स्टार लगा करके दिखाए गए हैं. ए जे क्रोनिन, जे बी प्रिट्सले है, उसका जो चैप्टर है आपके सिलेबस में वो है मदर्स डे. एंड्रयू मैनसन है, वो बर्थ चैप्टर के अंदर एक करेक्टर है. ओके, और एडवर्ड पेज है वो एंड्रयू मैनसन के एक सीनियर डॉक्टर है. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द स्टोरी बर्थ सेट. बर्थ स्टोरी है वो कहां पर होती है? सेट का मतलब होता है कहानी है वो कहां पर घटित होती है. एट मिसिज पियर्सन हाउस, मिसिज पियर्सन के घर पर. इन ए स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनले, एक वेल्स का एक छोटा सा नगर है ब्लेनले के अंदर, वहां पर होती है. नंबर 12 बेलिना टेरेंस, नंबर 12 बेलिना टेरेंस के अंदर होती है, या ऑल दी अबव, या ये स्टोरी है वो सभी स्थानों पर होती है. तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है, इन ए स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनले. तो ये कहानी है वो वेल्स के एक जो खादान होते हैं वहां का एक नगर है ब्लेनले, वहां पर होती है. और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका, ये जो ऑप्शन है ये आपका मदर्स डे स्टोरी जो आपका प्ले है वहां पर मिसिज पियर्सन के घर पर होता है. ठीक है, ये वहां से लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 3, अंडर होम डिड डॉक्टर एंड्रयू मैनसन प्रैक्टिस फॉर हिज मेडिकल असिस्टेंस. असिस्टेंस होता है हेल्प या मदद. डॉक्टर एंड्रयू मैनसन है वो किसके नीचे, किसके नीचे, किस डॉक्टर के नीचे है वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस है वो शुरू करने जा रहा है? डॉक्टर एडवर्ड पेज है, बी ऑप्शन है वो डॉक्टर जो मॉर्गन है, डॉक्टर आर्नेस्ट वाइल है, या प्रोफेसर गतोंदे. तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट. डॉक्टर एंड्रयू मैनसन इज गोइंग टू स्टार्ट हिज प्रैक्टिस अंडर डॉक्टर एडवर्ड पेज. वो एडवर्ड पेज के नीचे अपनी प्रैक्टिस है वो शुरू करने जा रहा है. जो मॉर्गन जो है वो डॉक्टर ऐसे ही लगाया गया आपको पजल करने के लिए. ठीक है, जो मॉर्गन इस स्टोरी के अंदर एक ड्रिलर है जो कि एंड्रयू मैनसन को अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए बुलाने के लिए आता है. और डॉक्टर अर्नेस्ट वाइल है वो आपका चैप्टर था, आपका चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर था एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, वहां से लिया गया है. ठीक है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक मेडिकल सर्टिफिकेट है वो देता है. और प्रोफेसर गतोंदे है वो एक आपका चैप्टर था. चैप्टर था द एडवेंचर, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है, वहां से लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज, हु वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन एट मिडनाइट. आधी रात के समय डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को बुलाने के लिए उसका इंतजार है वो कौन कर रहा था? डॉक्टर एडवर्ड पेज, डॉक्टर एडवर्ड पेज था. क्रिस्टिनी जो कि उसकी वाइफ, जो कि उसकी बिलविड है, प्रेमिका है, वो कर रही थी. जो मॉर्गन कर रहा था जो कि एक ड्रिलर है. और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है मिसिज सुसन्स मदर, मिसिज सुसन की मदर है वो कर रही थी. तो यहां पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है. एट मिडनाइट जो मॉर्गन हु वॉज ए ड्रिलर वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन टू कम बिकॉज हिज वाइफ सुसन मॉर्गन वॉज गोइंग टू गिव बर्थ टू ए
बेबी ओके जो मॉर्गन है वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ जो कि सुसन मॉर्गन है वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड जो मॉर्गन वांट डॉक्टर एंड्रयू मैनसन हेल्प। डॉक्टर मॉर्गन है ओके डॉक्टर सॉरी जो मॉर्गन है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन की हेल्प है वो क्यों चाहता था। फर्स्ट ऑप्शन है इन द डिलीवरी ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी। इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिज मदर, उसकी माँ है वो बीमार थी उसके इलाज के लिए उसकी मदद चाहिए थी। इन द इलनेस ऑफ हिज मेड, उसकी जो नौकरानी है वो बीमार थी। या फिर इन द सर्जरी ऑफ सुसन्स मदर, या फिर जो सुसन की मदर है जो उसकी मदर इन लॉ है उसकी सर्जरी करनी थी। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ओके तो जो मॉर्गन वॉन्टेड डॉक्टर एंड्रयू मैसन ओके डॉक्टर एंड्रयू मैसन्स हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ हिज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 6, नेम जो मॉर्गन्स वाइफ, जो मॉर्गन की पत्नी का नाम है वो क्या था। जो मॉर्गन मैंने आपको बताया कि ही इज द मेन प्रोटैगोनिस्ट इन द स्टोरी, वो इस कहानी का मेन किरदार है ओके और उसकी जो वाइफ है वो सुसन मॉर्गन है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो क्रिस्टिनी है वो डॉक्टर एंड्रयू मैसन की बिलविड है, उसकी प्रेमिका है सुसन मॉर्गन। मिसिस पियर्सन ये करेक्टर है, ये मदर्स डे में से आया है और मिसिस फ्रिजाल्ड भी वहीं से आया है, ये प्ले है आपका वहां से है दोनों करेक्टर। तो बी इज द राइट आंसर, द नेम ऑफ जो मॉर्गन्स वाइफ इज सुसन मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड जो मॉर्गन लिव, जो मॉर्गन है वो कहाँ रहता था। नंबर 11 बेलिना टेरेंस, 46 मार्कनी स्ट्रीट, नंबर 12 बेलिना टेरेंस या नंबर 12 बेरियन गोवर। ओके तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है हमारा सी वाला, नंबर 12 बेलिना टेरेंस। 46 मार्कनी स्ट्रीट है वो लिटिल गर्ल का रहने का स्थान है जहां पर वो उसकी मदर है वो उसकी बिलोंगिंग्स को छोड़ करके गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज डॉक्टर एंड्रयू मैसन्स बिलविड विद होम ही क्वल लास्ट इवनिंग। डॉक्टर एंड्रयू मैसन की प्रेमिका है वो कौन है जिसके साथ वो पिछली रात को लड़ा झगड़ा करता है। क्रिस्टिनी है, सुसन मॉर्गन है, मिसिस पियर्सन है या एल्जा है। तो यहां पर क्रिस्टिनी इज एंड्रयू मैसन्स डॉक्टर एंड्रयू मैसन्स बिलविड विद होम ही हैड क्वल लास्ट नाइट, जिसके साथ वो पिछली रात को लड़ाई करता है। सुसन मॉर्गन है वो जो मॉर्गन की वाइफ है। मिसिस पियर्सन है वो हमारा जो चैप्टर है मदर्स डे वहां से लिया गया करेक्टर है। और एल्जा है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की कजन का नाम है, आपको याद आ गया होगा कजन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड डॉक्टर एंड्रयू मैसन वॉन्ट टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। डॉक्टर एंड्रयू मैसन कहां पर प्रैक्टिस करना चाहता था डॉक्टर के तौर पर, एट ब्रेन गोवर के अंदर, एट वेल्स ओके एट ब्लेनले या कार्ड्रिफ के अंदर। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो एट ब्लेनले है, ब्लेनले के अंदर वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस है वो शुरू करना चाहता था ओके जहां पर जो मॉर्गन उसको अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए उसको बुलाने को आता है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेडरूम ऑफ जो मॉर्गन्स हाउस, जो मॉर्गन के घर का जो बेडरूम था उसको ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे कैसा बताया है। वेल फर्निश्ड, उसके अंदर सब सहूलतें उपलब्ध थी। पुअरली फर्निश्ड, वो मतलब एक प्रकार से ऐसा था कि उसमें सब कुछ है वो उपलब्ध नहीं था, डर्टी था देखने में वो गंदा सा था, या बोथ बी एंड सी यानी के पुअरली फर्निश्ड और डर्टी दोनों था। तो यहां पर डी है वो आंसर, वो बिल्कुल सही है ओके। द बेडरूम ऑफ जो मॉर्गन वॉज पुअरली फर्निश्ड एज वेल एज डर्टी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ हैज द ऑथर डिस्क्राइब मिसिज मॉर्गन्स मदर। मिसिज मॉर्गन, ऑथर ने मिसिज मॉर्गन की जो मदर है ओके जो कि वहां पर उसके घर के ऊपर रुकी हुई थी उसको कैसे डिस्क्राइब किया है। वाइज, वो एक बुद्धिमान औरत थी, ग्रे हेड, उसके बाल है वो सफेद थे। इन हर 70s, वो लगभग 70 साल की थी। ऑल दी अबव या फिर सभी ऑप्शन ए बी सी है वो तीनों ही करेक्ट हैं। तो यहां पर आंसर है वो हमारा डी है ओके। मिसिज मॉर्गन, मिसिज मॉर्गन यहां पर सुसन मॉर्गन है,
सुसन मॉर्गन्स मदर वॉज वाइस ग्रे हेयर एंड शी वॉज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड. नाउ वेन एंड्रू अप्रोच सुसन वॉज अटेंडेड बाय हर मदर एंड ओके एंड के बाद है वो ब्लैंक आएगा. जब एंड्रू मैसन है वो आता है उनके घर के ऊपर तो सुसन मॉर्गन है उसको उसकी मां के अलावा कौन अटेंड कर रहे थे, कौन उसकी देखभाल कर रहे थे? जो उसका हस्बैंड फादर उसका फादर कर रहा था, ए मिडवाइफ, एक वहां पर नौकरानी थी वो उसकी देखभाल कर रही थी, या मदर इन लॉ, या फिर जो एंड्रू मैसन है उसकी, या फिर उसकी मदर इन लॉ यानी कि एंड्रू मैसन की मदर है वो उसकी देखभाल कर रही थी. तो यहां पर ए सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, उसकी जो नौकरानी है वो उसकी देखभाल कर रही थी. जो आंसर्स हैं वो स्टार लगा करके सामने दिए हुए हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 13, डोंट फ्रीट मदर, आई शेल नॉट रन अवे, वाई डिड एंड्रू से दिस, आप दुखी मत हो मां मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ये बात एंड्रू है वो क्यों कहता है? टू रीअश्योर मिसिज मॉर्गन्स मदर, वो मिसिज मॉर्गन की मदर को आश्वस्त करना चाहता है, दोबारा से आश्वस्त करना चाहता था. टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन, वो अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहता था. टू ब्रेक द साइलेंस, वो दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी उसको तोड़ना चाहता था, चुप्पी को तोड़ना चाहता था. या टू हैंडल ए क्रिटिकल सिचुएशन वेल, और वो एक बड़ी ही विकट स्थिति थी उसको हैंडल करना चाहता था. तो यहां पर डॉक्टर एंड्रू मैसन ने ये बात उसकी मदर को इसलिए कही थी बिकॉज ही वॉन्टेड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर के तौर पर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 14, What did Andrew decide to do at Joe Morgan's house as there was a delay in the delivery of the child? जब बच्चा होने में थोड़ा देरी थी तो डॉक्टर जो मॉर्गन ने घर के अंदर रह करके क्या निर्णय लिया? टू स्लीप, की उसने सोने का निर्णय लिया. टू स्टडी, उसने कोई किताब पढ़ने का निर्णय लिया. टू स्टे देयर एंड वेट, उसने इंतजार वहां रुक कर इंतजार करने का निर्णय लिया. या टू ईट, या फिर उसने खाने का निर्णय लिया. तो यहां पर 14 क्वेश्चन के अंदर सी जो पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है. ही डिसाइडेड टू स्टे देयर एंड वेट फॉर सम टाइम, और वो थोड़ा समय का इंतजार करता है. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट थॉट्स केम इन डॉक्टर एंड्रयूज मॉर्गन्स माइंड व्हाइल ही वाज वेटिंग एट जो मॉर्गन्स हाउस, जो मेंसन्स हाउस. डॉक्टर एंड्रू मॉर्गन के दिमाग में क्या ख्याल चल रहे थे जब वो जो मेंसन के घर पे इंतजार कर रहा था? तो क्या है मिसिज मॉर्गन्स कंडीशन, वो मिसिज मॉर्गन की कंडीशन के बारे में सोच रहा था. फेल्ड मैरिजेस, वो असफल जो शादियां हो जाती हैं उसके बारे में सोच रहा था. क्रिस्टिनी, वो अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा था. या फिर डी है बोथ बी एंड सी, या फिर बी एंड सी है, वो दोनों ही हमारे ऑप्शन सही है. तो यहां पर राइट आंसर है वो डी है. ही वॉज थिंकिंग बोथ अबाउट मिसिज मॉर्गन्स कंडीशन, ओके जो मॉर्गन मिसिज जो मॉर्गन्स कंडीशन यानी के सुसन मॉर्गन की कंडीशन के बारे में सोच रहा था, नहीं सोच रहा था वो. ही वॉज थिंकिंग अबाउट फेल्ड मैरिजेस एंड क्रिस्टिनी, वो असफल हुई जो मैरिज हो जाती है और जो क्रिस्टिनी उसकी प्रेमिका है उस दोनों के बारे में सोच रहा था. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट हेयर. क्वेश्चन नंबर 16, हाउ वॉज द न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड पैदा होता है वो कैसा था? हेल्दी था, वो सेहतमंद था, लाइफलेस वो मरा हुआ था, अंडरवेट उसका भार है वो कम था, या एनेमिक, या फिर वो एनेमिक था. एनेमिक का मीनिंग होता है वो बच्चा जिसके अंदर खून की कमी होती है और जो सफेद हो जाता है. तो यहां पर डी ऑप्शन है वो सही होगा, द न्यू बॉर्न चाइल्ड वॉज एनेमिक. ओके क्वेश्चन नंबर 17, What was Dr. Andrew's dilemma? Dilemma होता है द्विधा. Dr. Andrew Mason का द्विधा की द्विधा क्या थी? To check upon Susan or the first child, ये देखना कि सुसन को चेक पहले किया जाए या बच्चे को पहले देखा जाए. To take a help from his senior, Dr. Edward Page, उसकी द्विधा ये थी कि उसका जो सीनियर डॉक्टर एडवर्ड पेज है उससे कोई हेल्प मांगी जाए. To run away, कि वो वहां
छोड़ करके भाग जाए या टू कॉल अनदर डॉक्टर फॉर हेल्प, या फिर उसकी दुविधा ये थी कि वो किसी दूसरे डॉक्टर को हेल्प के लिए बुलाए. तो यहां पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट है. हिज डिलेमा वॉज टू चेक अपॉन सुसन और द चाइल्ड फर्स्ट. After how many years were Joe Morgan and his wife Susan going to be blessed with a child? कितने सालों के बाद Joe Morgan और उसकी वाइफ Susan Morgan को बच्चा पैदा होने वाला था, भगवान उनको बच्चे का उपहार है वो देने वाला था. 10 years, 10 साल के बाद, 1 year, 1 साल के बाद, 5 years, 5 साल के बाद, या 20 years, या 20 साल के बाद. तो यहां पर 20 years is the correct answer. Question number 19. Why did Andrew get oblivious to all the work he had done in Blenley? Dr. Andrew क्यों बेपरवाह था जो काम उसने Blenley के अंदर किया था? Because he got all hopeless, क्योंकि वो निराश हो चुका था. Because he did something extraordinary that night, उस रात को उसने कोई असाधारण काम है वो किया था. Because he was leaving Blenley, वो Blenley छोड़ रहा था. Because he got tired, क्योंकि वो थक चुका था. तो यहां पर बी ऑप्शन है वो करेक्ट है. Because he did something extraordinary that night, क्योंकि रात के समय उसने एक असाधारण काम है वो किया था. He had saved both the mother and the child, उसने बच्चे को और उसकी मां दोनों को ही बचाया था. क्वेश्चन नंबर 20. What does the author refer to as a miracle? ऑथर ने किस बात को एक miracle, miracle का मतलब चमत्कार होता है, एक चमत्कार कहता है. Life getting into a stillborn child, एक जो stillborn child है उसको वो जिंदा करके, जिंदा होने को एक चमत्कार कहता है. Morgan's family welcoming a child, Morgan का परिवार है वो एक बच्चे का स्वागत करता है, इसको वो चमत्कार कहता है. सुसन गेटिंग कॉन्शियसनेस, सुसन है वो, उसको होश आ जाता है, इसको वो एक चमत्कार कहता है. या ऑल दी अबव, या फिर सभी आंसर है वो सही हैं. तो यहां पर क्या है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट है. द ऑथर रेफर्स लाइफ गेटिंग इन टू ए स्टिल बोर्न चाइल्ड एज ए मेरेकल. क्वेश्चन नंबर 21. वाई डिड द चाइल्ड बिकम स्लिपरी इन एंड्रूज हैंड. एंड्रू के हाथों के अंदर जो बच्चा है वो फिसल क्यों रहा था? बिकॉज डॉक्टर एंड्रू मैसन्स नर्वसनेस, क्योंकि डॉक्टर एंड्रू मैसन है वो नर्वस हो चुका था. बिकॉज एंड्रू वॉज लूजिंग हिज फोकस, एंड्रू है वो अपना फोकस, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था. बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट जंगलिंग बिटवीन वॉटर, क्योंकि वो बच्चे को बार बार है वो पानी के अंदर डुबो रहा था, गर्म और ठंडे पानी के बीच में. बिकॉज ऑफ एंड्रूज केयरलेसनेस, बच्चा इसलिए फिसल रहा था क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा था. तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है. बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट जंगलिंग बिटवीन वॉटर, क्योंकि उसका बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट जंगलिंग बिटवीन वॉटर, बार बार बच्चे को वो पानी में डुबो रहा था, इसलिए वो उससे स्लिपरी हो रहा था, हाथों से वो फिसल रहा था. How did Dr. Andrew feel after he had made his effort to revive the stillborn child? जब Dr. Andrew Mason ने बच्चे को जिंदा कर दिया तो उसको क्या महसूस हुआ? Accomplished, उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाती है. Hopeful, वो आशावान हो जाता है. Hopeless and tired, वो थक जाता है और वो होपलेस हो जाता है, या कॉन्फिडेंट, उसके अंदर विश्वास जाग जाता है. तो यहां पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट है. ही फेल्ट अकॉम्प्लिश्ड. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट आर द थिंग्स दैट डॉक्टर एंड्रू यूज इन द ट्रीटमेंट टू रिवाइव द स्टिलबॉर्न चाइल्ड? वो कौन कौन सी चीजें थी जिसका डॉक्टर एंड्रू मैसन यूज करता है बच्चे को दोबारा से जिंदा करने के लिए? होल्ड एंड कोल्ड वाटर, गर्म और ठंडा पानी, बेसन्स एंड टॉवल, जो जार होते हैं और जो टावल होता है, ए ब्लैंकेट, ए कंबल, या ऑल दी अबव. तो यहां पर डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. जो आंसर्स हैं वो सामने स्टार लगा करके दिखाए गए हैं, आप देख रहे होंगे. ओके, तो ही हैड यूज्ड हॉट एंड कोल्ड वाटर इन टू बेसन्स. ओके, देन ही हैड रब्ड द टावल ऑन द इंटायर बॉडी ऑफ द स्टिल बॉर्न चाइल्ड, एंड देन एट लास्ट ही हैड रैप्ड द चाइल्ड इन ए ब्लैंकेट. तो उसने बच्चे को पहले गर्म और ठंडे पानी के जारों के अंदर बार बार अल्टरनेटिवली डुबोया था, उसके बाद उसको टावल से अच्छी तरह से रगड़ा था, और फिर अंत में उसको एक कंबल के अंदर है वो लपेटा था. क्वेश्चन नंबर 24.
व्हाट डिड एंड्रयू गेस फ्रॉम द व्हाइटनेस ऑफ द चाइल्ड. एंड्रयू ने बच्चे का जो सफेदपन है उससे क्या अनुमान लगाया था. दैट द चाइल्ड वॉज डेड. उसने ये अनुमान लगाया कि बच्चा है वो मर चुका है. दैट द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन. लैक ऑफ ऑक्सीजन. उसने ये अनुमान लगाया कि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी है. दैट द चाइल्ड नीड एन इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन. उसने ये अनुमान लगाया कि बच्चे को क्या है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है. ठीक है, बच्चे को तुरंत अस्पताल में ले जाने की जरूरत है. या फिर ही कुड नॉट सेव हिम, कि बच्चे को वो बचा नहीं सकता, ये उसने सोचा. तो यहां पर बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. ही गेस्ड दैट द चाइल्ड वॉज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन. उसने ये अनुमान लगाया कि बच्चा है वो ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित है. क्वेश्चन नंबर 25. वेयर डिड द मिडवाइफ प्लेस वेयर हैड द मिडवाइफ प्लेस द स्टिल बॉर्न चाइल्ड. मिडवाइफ है जो वहां पर नौकरानी थी, उसने बच्चे को कहां रख दिया था. प्लेस का मतलब रखना होता है. शी हेल्ड द चाइल्ड इन हर आर्म्स. उसने बच्चे को अपने हाथों में रखा. गेव हिम टू सुसन्स मदर. उसने जो उसने बच्चे को सुसन की मदर को दे दिया था. पुट इट अंडर द बेड. उसने बच्चे को एक बेड के नीचे रख दिया था. या हैंडेड हिम टू जो, या फिर उसने उसके पिता जो मॉर्गन को दे दिया था. तो यहां पर द मिडवाइफ हैड प्लेस द स्टिल बॉर्न चाइल्ड ओके अंडर द बेड कंसिडरिंग इट टू बी ए डेड चाइल्ड. जो मिडवाइफ है उसने जो बच्चा था उसको एक बिस्तर के नीचे वो बेड के नीचे वो रख दिया था, उसको मरा हुआ समझ करके. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है. सी ऑप्शन है यहां सही है. क्वेश्चन नंबर 26. हाउ डिड एंड्रयू ट्राई टू सेव द स्टिल बॉर्न बेबी. ओके स्टिल बॉर्न बेबी. एंड्रयू ने जो लगभग मर चुका बच्चा था उसको बचाने के लिए क्या किया था. यूजिंग ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. उसको सांस देने के लिए एक स्पेशल मेथड है वो इस्तेमाल किया था. कॉलिंग डॉक्टर एडवर्ड पेज. उसने डॉक्टर एडवर्ड पेज जो कि उसका सीनियर डॉक्टर था जिसके नीचे वो प्रैक्टिस करना चाह रहा था उसको बुलाया. टेकिंग हिम टू ए हॉस्पिटल. वो बच्चे को एक हॉस्पिटल में लेके गया. गिविंग हिम ब्लड. उसको ब्लड दिया. तो यहां पर ही हैड यूज ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन टू रिवाइव दी स्टिल बॉर्न बेबी. उसने बच्चे को कृत्रिम सांस देने के लिए एक स्पेशल मेथड है वो इस्तेमाल किया था. ए इज द राइट आंसर हेयर. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट डिड एंड्रयू रिमेम्बर इन द मिडल ऑफ ऑन गोइंग ट्रीटमेंट. जब ट्रीटमेंट चल रहा था उस बच्चे को जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी तो एंड्रयू के मन में क्या ख्याल आ रहा था, क्या याद आ रहा था. अबाउट हिज लव फॉर क्रिस्टिनी. क्रिस्टिनी को वो प्यार करता था उसके बारे में उसको याद आ रही थी. मॉर्गन फैमिली लॉन्गिंग फॉर ए चाइल्ड. मॉर्गन की जो फैमिली है उसकी इच्छा पूरी होने जा रही थी बच्चे की, उसको वो याद कर रहा था. हिज टाइम इन समार्टियन. उसका जो समय समार्टियन में बीता उसको वो याद कर रहा था. अबाउट हिज ऑब्लिगेशन एज ए डॉक्टर. उसकी एक डॉक्टर के तौर पर क्या जिम्मेवारी है वो उसको याद कर रहा था. तो यहां पर सी ऑप्शन है वो सही है. ही वॉज रिमेम्बरिंग अबाउट हिज ऑब्लिगेशन एज ए डॉक्टर. क्वेश्चन नंबर 28. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंड्रयूज एफर्ट टू यील्ड रिजल्ट्स. एंड्रयू ने कितने समय तक प्रयास किया. एफर्ट्स का मतलब प्रयास होता है कि जब तक है वो कोई परिणाम नहीं निकल पाया. 15 मिनट. उसने 15 मिनट के बाद कोई परिणाम निकला. ऑल एफर्ट वेंट इन वेन. वेन बेकार होता है, उसके सारे प्रयास बेकार चले गए. फॉर 1 आवर एक घंटे तक उसने प्रयास किया. या फॉर हाफ एन आवर तो आधा घंटे तक उसने प्रयास किए. तो यहां पर डी इज द राइट आंसर. हिज एफर्ट यील्डेड रिजल्ट आफ्टर हाफ एंड आर. उसके जो प्रयास है वो आधे घंटे के बाद कोई परिणाम लाते हैं. एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड. वो बच्चे को जिंदा करने में सफल हो जाता है. बट हर हैंड्स वर टूगेदर हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड. उसके हाथ है वो बंधे हुए थे, हाथ है वो प्रार्थना कर रहे थे और उसके जो लिप्स है होठ है वो कुछ बोल रहे थे. हु इज हर हेयर. यहां पर हर है वो कौन है. सुसन है मिडवाइफ, नौकरानी है. मिसिज मॉर्गन्स मदर. मिसिज सुसन मॉर्गन की माँ है. या नॉट क्लियर फ्रॉम द स्टोरी, ये बात कहानी से स्पष्ट नहीं है. तो हेयर शी रेफर्स टू मिसिज मॉर्गन्स मदर और जो मैसन्स मदर इन ला. तो यहां पर जो शी है वो सुसन मॉर्गन की माँ है या जो मॉर्गन की सास है. आगे क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज जो मॉर्गन्स प्रोफेशन. जो मॉर्गन का
प्रोफेशन धंधा होता है, वो क्या था, वो क्या काम करता था? प्लेयर वो एक खिलाड़ी था, ड्रिलर वो एक सुराख निकालने वाला व्यक्ति था दीवारों वगैरह के अंदर या फर्श के अंदर, या राइटर था वो एक लेखक था, या डॉक्टर था वो एक डॉक्टर था। तो यहां पर ही वॉज ए ड्रिलर, जो मॉर्गन वॉज ए ड्रिलर बाय प्रोफेशन। प्रोफेशन की जगह वैकेशन भी आ सकता है, वर्ड है वो, वैकेशन भी हो सकता है। उसका जो वैकेशन था वो एक ड्रिलर का था। क्वेश्चन नंबर लास्ट, 31st क्वेश्चन। आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने कुछ, हे भगवान, मैंने कुछ कर दिया है, अंत में मैंने कुछ कर दिया है। वाई डज एंड्रू से दिस, एंड्रू ने ये बात है वो क्यों कही? फॉर सेविंग स्टिल बोर्न बेबी, उसने एक स्टिल बोर्न बेबी जो था उसको बचा लिया था, ठीक है, इसलिए उसने कही। फॉर सेविंग द मदर ऑफ द बेबी, उसने उसकी माँ को बचा लिया था, ये बात उसलिए उसने कही। बोथ ए एंड बी आंसर है वो हमारा, ऑप्शन बोथ ए एंड बी है वो दोनों हैं, या नन ऑफ दी बो, या आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं है। तो यहां पर सी इज द राइट आंसर, ही हैड सेड दिस स्टेटमेंट बिकॉज ही वॉज एबल टू सेव बोथ दी स्टिल बॉर्न बेबी एज वेल एज हिज मदर, वो दोनों को ही बचाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। सो सी इज दी राइट आंसर हियर, यहां पर सी है वो राइट आंसर है। तो स्टूडेंट, आई हैव ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड आई होप दैट मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन विच आर गोइंग टू कम इन यूर कमिंग एग्जाम विल बी फ्रॉम माई वीडियो लेक्चर। सो रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, दिस वीडियो विल गिव यू ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है शुरू से लेकर के एंड तक, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे।